हमारे साथ नागपुर से आए हुए पर्यटक मौजूद है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस वस्त्र ग्रंथालय को देखा तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा इतिहास को देखकर? एक्चुअली हम एक ये धुड़े के पास में एक पारोड़ा शहर है, वहाँ पर एक काम के लिए आए थे और हमको वहाँ पता लगा कि ये धुड़े में राजवाड़ा पैलेस देखने के लिए बहुत अच्छा है। हमने यहाँ पर देखने के बाद में हमको यहाँ का अच्छा, मतलब जो वास्तु संग्रहालय है वो प्राचीन किस्में है और कुछ जो भाषाएं है वो अभी हमको तो समझ में नहीं आई, लेकिन वो मुड़ी भाषा में लिखा है और यह सब देख के हमको अच्छा लगा। आपने यहाँ पर विजिट किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और हमें लगता है कि यहाँ पे जो सामान्य आदमी है वो हर कोई आके अपना इतिहास जान ले, बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि आजकल जो लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक कार्य चल रहा है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा और वो डिबेट नहीं कर पाते, तो इसलिए लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ से कुछ प्रशिक्षण लेके ही घर जाना चाहिए जिसके वो चर्चा कर सके पूरे। हाँ, जिस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इस वक्त पेश किया जाता है तो यहाँ पर ज़रूरत है कि सभी लोग आकर इसको अपनी आँखों से देखें और रिसर्च करें, इसके ऊपर कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें बताया जाता है कि जैसे शिवाजी महाराज का जो इतिहास बताया जाता है, आजकल के इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि ये किस तरह से एक धर्म विशिष्ट के लोगों के विरोध में शिवाजी महाराज थे, लेकिन वैसा नहीं है। ये धार्मिक लड़ाई का रूप दे रहे, जबकि ये धार्मिक लड़ाई नहीं थी, ये राजनीतिक लड़ाई थी, क्योंकि उस समय में जिनके हाथ में सत्ता थी वो मुगल थे और वो एक जिस भी धर्म विशिष्ट थे तो ये एक राजनीतिक लड़ाई थी और इसको एक धार्मिक रूप देना ये सही नहीं है। और लोग यहाँ पे आएंगे तो ज़रूर सीखेंगे, ज़रूर कुछ यहाँ से चर्चा करके, जो यहाँ पे है मार्गदर्शन करने वाले उनके साथ में चर्चा करके वो अपना ये कर सकते। सलाम नमस्ते, मैं हूँ शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। कहते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो बैक मिरर में देखना ज़रूरी है, मतलब आप अगर कार ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आपको आगे बढ़ते रहना या अपनी मंजिल को पहुँचना है तो आपको बैक मिरर में भी देखना ज़रूरी होता है। जो समाज में, जो ज़माने में इतिहास की कदर करता है, ज़माना उसकी कदर करता है। आज हम मालेगांव से 50 किलोमीटर दूर धुलिए में एक ऐसे म्यूज़ियम में, अजायब घर जिसे हम कह सकते हैं, वस्तु संग्रहालय, राजवाड़े वस्तु संग्रहालय में मौजूद है, जहां पर इतिहास को समेटा गया है। ये लफ्ज़ बहुत मानी खेज है, इसको समझा जाना चाहिए कि पूरा जो इतिहास जो एक वक्त में बिखरा पड़ा था उसको समेट कर जो है एक जगह जमा किया गया है ताकि पर्यटक उसको देख सके, उसको जान सके। ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे यहाँ के अध्यक्ष जी से, महोदय से। सर, आपका बहुत स्वागत है रिसाइट टुडे न्यूज़ में। सबसे पहले सर, हम यहाँ पर हमने विजिट किया, देखा, काफ़ी इतिहास को समझने का और करीब से देखने का मौका मिला, गाइड के जरिए भी उन्होंने हमें बताया। तो ये जो आपकी संस्था है ऐतिहासिकारी, जो इसका स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 9 जनवरी 1927 और इसका नाम है इतिहासाचार्य विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े संशोधन मंडल, ऐसा इसका नाम है। अब ये राजवाड़े का नाम इसलिए दिया गया है कि ये जो यहाँ पर सामग्री है, माने कागजात हैं या सिक्के हैं या और कुछ चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा करने का काम उन्होंने किया। तो ऐसा समझिए कि 1893 से लेकर के 1926 तक उन्होंने ये काम किया है, माने 1893 से लेकर के, माने 7 वो और ये 26, 33 साल उन्होंने हिंदुस्तान भर में घूम करके पुराने कागजात हैं, पुराने दस्तावेज हैं, पुराने पत्र हैं, हुक्मनामे हैं, बख्शिश पत्र है, राजाओं ने, रियासतों के मालिकों ने किसी को कुछ कागज़ दिए हैं, ज़मीन दी है, उसके सारे कागजात इकट्ठा किए, पुराने जो ग्रंथ है, माने उसमें काव्य होगा या नाटक होगा, उन सब का संग्रह उन्होंने किया और वो यहीं रखने के लिए उन्होंने कहा था। तो इसलिए उनकी याद में ये संग्रहालय बना हुआ है। ये संग्रहालय की जो भव्य इमारत है, हाँ, तो ये इसी मकसद के लिए बनी है? इसी मकसद के लिए ये इमारत इसी मकसद के लिए बनी है। और देखिए, उनका देहावसान 31 दिसंबर 1926 को हुआ, उसके बाद 9
तुरंत उनकी एक सभा हुई, शोक सभा उनकी मृत्यु के बाद, और तब ये तय हुआ कि उनकी जो सारी सामग्री है वो धुलिया में ही सुरक्षित रहनी चाहिए। अब धुलिया में ही क्यों, इसका कारण है। वैसे ऐतिहासिक संग्रह जो कागजात है या सिक्के हैं या पोशाक है वो सारे पूना में है, भारत इतिहास संशोधन मंडल या भंडारकर इंस्टीट्यूट है, वहाँ क्यों नहीं रखे? तो राजवाड़े जी ने कहा था कि ये मेरा सारा खजाना आप धुलिया में ही रखेंगे, यदि आप धुलिया में नहीं रख सकते हैं तो इसको जला देना, लेकिन और कहीं भी मत देना। इसका कारण है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का करीब करीब 22 से 25 साल धुलिया में गुजारे थे, इसलिए उनकी इच्छा थी कि ये सारे कागजात वगैरह जो सामग्री है वो धुलिया में ही रहनी चाहिए। तो ये तय होने के बाद यहाँ के जो लोग उनके चाहने वाले थे, जिसमें एक खास नाम है भास्कर वामन भट्ट, जिनके यहाँ वो रहा करते थे, धुलिया में आते थे, तो उन्होंने कुछ साथी मिल करके कलेक्टर से ज़मीन मांगी। उस समय के कलेक्टर कोई मदान ऐसा कुछ नाम था उनका, उनसे वो जमीन मांगी, उन्होंने ज़मीन दी, उसके बाद कुछ पैसा इकट्ठा किया और ये संग्रहालय बना। मूल इमारत जो है इसकी वो यहाँ आपके पास में पड़ोस में है, वाचनालय है, ग्रंथालय है, वो मुख्य इमारत है। ये इमारत बाद में बनी है, ये इमारत बनी पूरी बनी नहीं, खंडहर बन गई थी, लेकिन एक आदमी ऐसा निकला, उसका नाम बालकिशन बिरजी चंद मुंदड़ा, उसने ये प्रण किया कि मैं इस खंडहर को एक सुंदर इमारत के रूप में तब्दील करूंगा। और उन्होंने घर घर देखिए घूम करके लोगों की मिन्नत करके पैसा इकट्ठा किया और ये वस्तु संग्रहालय की ये जो शानदार इमारत है ये उनकी मेहनत से यहाँ खड़ी हुई है। राजवाड़े जी ने ये कागजात इकट्ठा करने के लिए, आप आश्चर्य करेंगे, काबुल से लेकर अफगानिस्तान के काबुल से लेकर के तमिलनाडु के तंजौर तक प्रवास किया है। उस ज़माने की आप कल्पना करिए, जिस ज़माने में साधन नहीं थे चलने के लिए। तो ये एक जुनूनी शख्स ही कर सकता है जिसके अंदर जुनून हो, हौसला हो, हिम्मत हो। बिल्कुल। तो ये कहानी जो आपने बताई कि काबुल से लेकर इतना लंबा सफ़र तय करना, जमा करना, तो देखिए व्यापारियों का एक समुदाय काबुल जा रहा था, तो ये उनके साथ हो गए कि भाई आप जा रहे हैं मुझे भी लेके चलो, वहाँ रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, ठिकाना कुछ नहीं। पर एक आपने जैसा शब्द इस्तेमाल किया, जुनून ही था कि वो वहाँ तक गए, वहाँ से भी जो कुछ मिला उनको वो लाया है। दूसरे जो रियासतें हैं, अभी वो हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद करीब 600 रियासतें थी, तो उन रियासतों में जा जा करके उनके पुरखों ने जो कुछ किया है उसके कागजात उन्होंने इकट्ठा किए। अब कहे बैलगाड़ी में जाना पड़ा, पैदल जाना पड़ा, जो साधन मिला उससे वो गए। अब वो कागजात उनके जैसे रखे हुए थे तो कहीं वो धूल भरे हुए थे, अंधेरे कमरे में पड़े हुए थे, वो देते भी नहीं थे उनको कभी कभी। आदमी देखिए मेहनत से काम करता है और सामने वाला मानता नहीं है तो गुस्सा भी आता है। उन्होंने उनसे कहा कि अरे जिन पुरखों के कारण तुम आज ये ऐश कर रहे हो उनकी कमाई पर, उनका इतिहास जानने की तुमको भी इच्छा नहीं है, मेरे जैसा आदमी कहाँ से कहाँ आता है? तो वो बेचारा गुस्सा भी करते थे पर उन्होंने किया। वो अक्सर लोग एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक रियासत से दूसरी रियासत पैसा कमाने के लिए जाते हैं, तिजारत के लिए जाते हैं, लेकिन ये जैसा आपने बताया कि एक शख्स जो है वो इतिहास को समेटने के लिए जो है इतना लंबा सफ़र किया। इसका इन्होंने जैसा आपने कहा फकीरी का स्वीकार करके उन्होंने ये सब काम किया है ना। और ये सारे कागजात जमा करने के बाद ये साधन जो जमा किए हैं उसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है? देखिए मूल कारण है कि ये राष्ट्रभक्त थे। देश हमारा आज़ाद था, पराधीन गुलाम क्यों बना? जिन मराठों ने पराक्रम किया वे अंग्रेजों से क्यों हार गए? तो ये जानने के लिए अंग्रेज इतिहासकारों ने जो लिखा, उसमें से एक जनरल टार नाम का एक इतिहासकार है, उसने जो इतिहास लिखा उसमें एकदम गलत बातें लिखी थी। तो उन्होंने कहा कि विदेशी आदमी हमारे देश का जो इतिहास लिखेगा वो हमारे लिए प्रेरणादायी हो ही नहीं सकता, उससे हमको प्रेरणा मिल ही नहीं सकती। हमारे देश का इतिहास हम लिखेंगे, हम जानेंगे,
वो तो अंग्रेज जो यहाँ आए थे वो तो अपनी गुलामी कायम करने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने इतिहास ऐसे ही लिखा कि भाई हमारे आने से पहले यहाँ कुछ नहीं था, आप लोग तो जंगली थे, सांप पकड़ते थे या ऐसा कुछ करते थे। तो ये बात उन्होंने जब पढ़ी टाड़ने और दूसरे इतिहासकारों ने, तब उन्होंने प्रण किया कि नहीं, मैं इतिहास के साथ सारे कागजात इकट्ठा करूँगा और उसे साबित करूँगा कि आपके आने से पहले भी ये देश, ये मुल्क शानदार था, यहाँ के लोग अच्छे थे। इसलिए बिल्कुल, और उनकी जो मेहनत है वो सफलतापूर्वक हुई। आज भी पर्यटक जब यहाँ आते हैं तो अपना शानदार इतिहास देखकर उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। कोई सरकारी मदद जो इस वक्त मिलती है आप? नहीं, हमको सरकार की तरफ से एक पैसा ग्रांट के रूप में मिलता नहीं है, कोई भी संस्था हमको पैसे नहीं देती है। ये केवल लोगों की, माने ऐसा समझिए कि लोगों की मदद पर ये चल रहा है। हाँ, एक काम अच्छा हुआ कि राजवाड़े मंडल की स्थापना होने के बाद कुछ लोग ऐसे थे उस समय के जो संस्थापक थे, जैसे उसमें भास्कर वामन भट्ट जी का नाम है, उन्होंने एक काम किया कि एक फ्लो, एक प्रवाह पैसे का इस मंडल के लिए मिलता रहे, इसलिए उन्होंने राजवाड़े पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की और उसमें ये प्रस्ताव पास किया कि इसका एक खास हिस्सा मुनाफे का वो राजवाड़े मंडल को दिया जाएगा और जो मेंबर्स हैं उनका जो डिविडेंड है उसका भी एक हिस्सा मंडल को दिया जाएगा। इसलिए उस मंडल का काम चलता था, लेकिन वो राजवाड़े मंडल जो बैंक है, राजवाड़े मंडल पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, उसका दिवाला निकल गया तो उधर से आने वाला हमारा पैसा बंद हो गया। तो अब ये ऐसे हम लोगों से मांग करते हैं। और कुछ संस्थाएं ऐसी है, जैसे शाहदा में पीके पाटिल जी के नाम से एक संस्था है, वो विधायक थे, आमदार थे, उनके पास एक फंड है। वो ऐसे अच्छे, अच्छी संस्थाएं, अच्छे आदमी इनको हर साल पुरस्कार देते हैं। तो अभी 2 साल पहले उन्होंने हमको अच्छी संस्था, अच्छा काम करने वाली संस्था इस नाते से 1,00,000 रुपया हमको पुरस्कार में दिया। तो इसलिए हमको तो इसी प्रकार से पैसा मिलता है और उससे काम चलता है। और उसका एक कारण ये भी है कि हम अपने कर्मचारियों के सरकारी स्केल के मुताबिक पगार देते नहीं, हम उनको हमारी मर्जी से समझौता करके उनको पैसा देते हैं, इसलिए वो कम खर्चे में काम चलता है। और दूसरा है कि अब जैसे मोड़ी कागजात है उसको हम देवनागरी में करके देते हैं, उसका कुछ पैसा मिलता है। अभी यहाँ देखने के लिए आते हैं उनसे हम 10 रुपया प्रति व्यक्ति वो लेते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम चलते हैं। हाँ, अभी यहाँ हमारे यहाँ हमारे लिए गर्व करने की बात यह है कि यहाँ हिंदुस्तान से नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं, पुराने कागजात देखते हैं और उसके आधार पर PhD की डिग्री लेते हैं, इतना अध्ययन वे करते हैं। अच्छा। किसी को पुस्तक लिखना हो, इतिहास लिखना हो तो यहाँ। ये जो ग्रंथालय संग्रहालय है ये हिस्टोरिकल लिस्ट में आता है अगर हम इसको सर्च करते हैं? आर्कियोलॉजी की तरफ से हमको अधिकार मिला हुआ है, वरना ये पुरानी चीज़ें जो है ये कोई भी आदमी, आपको मालूम पड़ा हो आप कहीं से मूर्ति लेकर आए तो आर्कियोलॉजी वाले आप पर केस कर सकते हैं। पर हमको वो अधिकार मिला हुआ है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हम कहीं से भी पुरानी वस्तुएं ला सकते हैं, उनका संग्रह कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि यहाँ पर जो है कुछ कलेक्शंस अभी के भी हैं, 50 साल पहले के ज़माने के भी, तो उनका कलेक्शन कैसे हुआ, किसने किया? नहीं, समय समय पर लोग जैसे कहीं कुछ मिलता है तो वो हमको सूचना करते हैं या हम अखबार में पढ़ करके जानकारी लेते हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ रजिस्टर जो ग्राम पंचायत होगी, नगर पालिका होगी, उनकी अनुमति लेकर के हम वो चीज़ें यहाँ लाते हैं। हाँ, यहाँ देखिए जैसे मूर्तियाँ हैं, कागजात है, सिक्के हैं, हथियार है, नक्शे हैं, ऐसी सब चीज़ें हैं इसके आधार पर। एक आखिरी आपसे एक बात करना चाहेंगे कि आजकल के जो युवा है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको ये कहेंगे कि आप आइए यहाँ देखिए, अपने पुरखों का पराक्रम जानिए, पुराने ज़माने की क्या हमारी स्थिति थी, आर्थिक हालत कैसी थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, कैसे रीति रिवाज थे, इनको आप जानेंगे तो आप इतिहास अच्छी तरह से जान सकते हैं। हिस्ट्री स्कूल में पढ़ाई जाती है, पुस्तक के आधार पर पढ़ाई जाती है, पर इन चीज़ों को देखने के बाद
आपका ज्ञान ठोस होगा, इसलिए आप जरूर समय समय पर आते जाइए, जानकारी लेते जाइए, ऐसा हम उनसे अपेक्षा करते हैं। ऐसी एजुकेशन जैसे मान लो देखिए, सिक्के हैं, सिक्के से उस समय की माली हालत का पता चलता है। जिस जमाने में सोने का सिक्का चलता था, हम समझ सकते हैं कि उस समय इस देश की हालत कितनी बढ़िया थी कि राजा सोने के सिक्के चलाता था, बाद में वो सोना गया, चांदी गई, फिर तांबा गया, निकल गया, कागज आ गया, और अब तो और भी खराब हालत है। तो ये उस समय की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि राजा ने फलाने आदमी को सजा दी तो क्यों दी, भाई उसने समाज का नुकसान किया है। तो उस समय की सामाजिक अवस्था कैसी थी, माली हालत कैसी थी, सांस्कृतिक हालत कैसी थी। हम देखते हैं कि जब कला है, वो मूर्तिकला हो, शिल्पकला हो, चित्रकला हो, साहित्य हो, वो कब पनपता है, जब देश में शांति होती है तब पनपता है। जैसे अकबर का ज़माना था, 50 साल तक उसने शासन किया, उस समय क्या क्या बदल हुआ, समाज में अभिसरण भी हुआ, हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा है वो उस समय कम हुआ, क्यों हुआ, अकबर की नीति थी। तो इतिहास जानने के कारण देश की कब कैसी हालत थी, इसका पूरा ज्ञान हमको इतिहास से होता है, इन चीज़ों से होता है। मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए रिसाइट टुडे न्यूज़।